विदेश मंत्री शांति धारीवाल की कोटा के लिए सबसे नया व अलग करने की परिकल्पना व कोटा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के संकल्प को मूर्त रूप देने हेतु देश के सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया कर ए निर्देशन में चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व का 8वां अजूबा, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस एक कलाकृति में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। संपूर्ण विश्व में 2 बड़े घंटे हैं। सबसे बड़ी घंटी चाइना में है, दूसरी घंटी मॉस्को रूस में है। यह दोनों घंटियां अलग अलग टुकड़ों में बनी है जिसको बाद में जोड़ा गया। इसके बावजूद चाइना की घंटी को लटकाते समय उसका एक टुकड़ा टूट गया जो अभी तक टूटा हुआ है। वही मॉस्को वाली घंटी लटकाई ही नहीं जा सकी। अब कोटा शहर में इस असाध्य कार्य को संभव किया जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट पर जहां स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य विश्व की सबसे बड़ी घंटी बना रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि यह दुनिया की एकमात्र व सबसे बड़ी सिंगल पीस कास्टिंग होगी। 1982 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी जयपुर MNIT से। उसके बाद 84 में मैंने AMI किया मैकेनिकल में, और 85 में मैंने कास्टिंग के ऊपर स्पेशलाइजेशन किया था, और 86 में इंडक्टोथर्म USA से मैंने मेल्टिंग के ऊपर स्पेशलाइजेशन किया, और पिछले 40 साल से मैं इंडिया में ही काम कर रहा हूँ। इंडिया में 112 बड़े स्टील प्लांट लगा चुका अभी तक। राजस्थान में तकरीबन 56 मिनी स्टील प्लांट्स हैं, उनमें से 48 मेरे लगाए हुए हैं, और इंडिया के बाहर भी करीब 22 कंट्रियों में मैं 48 प्रोजेक्ट्स को एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुका और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका। इससे पहले भी 6 जून 1994 को वर्ल्ड की सबसे हैवी सिंगल पीस कास्टिंग हुई थी जो कि 25,000 kg की है। वो रिकॉर्ड मेरे ही नाम ऑलरेडी है। उस रिकॉर्ड को शायद मेरे को ही तोड़ना लिखा था, और कोटा के पॉपुलर और जननायक नेता, उनका कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि कोई एक इस तरह का प्रोजेक्ट कोटा में आया। उसको अनूप जी बर्तिया ने ऑन पेपर ड्रॉ किया कि ये क्यों नहीं बैल बनाई जाए। इस तरह की उनकी जो परिकल्पना थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया कि मैं इस परिकल्पना के साथ जुड़ा और इसको प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा हूँ। एनीवन वांट टू आस्क।